हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैं हूं स्मृति अरोड़ा ब्राउन ब्यूटी और आज मैं आपके आगे अपना वीडियो लेके आई हूं माय स्किन रूटीन सो ये फर्स्ट मैं स्टार्ट कर रही हूं अपने uh, एयरिंग से तो मैं एक्चुअली कहीं बाहर गई हुई थी और आके जस्ट uh, अभी मैं अपना मेकअप रिमूव से लेके अपना फुल रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आज इस वीडियो में uh, मैंने मेकअप किया हुआ है मैं मेकअप रिमूव करूँगी फर्स्ट ये लव लैप मॉइस्चराइज़र वाइब्स हैं और ये बेस्ट है ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे अमेज़ॉन पे भी हैं पे भी है और अमेज़ॉन पे बहुत अच्छे इसके प्राइस भी हैं और डिस्काउंट है बहुत अच्छा तो आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो और आप ये देखना जस्ट वन वाइप में मेरा फुल मेकअप रिमूव हो जाएगा मुझे कोई भी फोर्सफुली अपना मेकअप नहीं उतारना पड़ता बहुत ईजी वे में बहुत ईजी और बहुत जल्दी मेरा मेकअप रिमूव हो जाता है आप ये देखो मैंने फाउंडेशन वाला बेस किया हुआ था और जस्ट वन वाइप में मेरा फुल मेकअप रिमूव हो चुका है तो मुझे इसकी ये बात बहुत अच्छी लगती है और मैं ये लास्ट टू ईयर से यूज़ कर रही हूँ और सिर्फ मैं वाइप मेकअप रिमूव के लिए यही वाइप यूज़ करती हूँ और आप ये देखो फुल मेकअप मेरा इसमें उतर चुका है एंड नेक्स्ट मैं ये हर्बिया मॉइस्चराइज़र क्लिनज़र ले रही हूँ Uh, ये भी मैं uh, मतलब मेरा अभी जितना डस्ट रह गया मेरे फेस के अंदर तो मैं इसको रिमूव करूँगी और ये मैंने जस्ट थ्री फोर uh, ड्रॉप्स ऐसे लिया थोड़ा सा मतलब मसाज करते हैं स्लोली स्लोली मसाज करनी है और अब uh, ये देखो मैंने थोड़ा और प्रोडक्ट लेके और इस मसाज कर रही हूँ बहुत हल्के हाथों से अच्छी स्मूथ सी मसाज करनी है हमें चला जाता है वो इस क्रीम के साथ रिमूव हो जाता है और ये मैं मसाज करने के बाद फिर से मैं अपने लव लैब के वाइप्स यूज करूँगी और मेरा ये जितना भी क्लिजर इसमें लगा हुआ था वो उसी से रिमूव करूँगी अभी आप देखना जितना ये मैंने अभी क्रीम लगाया था अपना क्लिनर लगाया था ये मैं रिमूव कर रही हूँ वीडियोज़ भी देखी है काफ़ी लोग हैं जो काफ़ी महंगे प्रोडक्ट्स लेते हैं मेकअप रिमूव के लिए और फिर भी उनकी स्किन मतलब बहुत ज़्यादा डल रहती है और आप ये देखो मेरे एक वाइप में जितना एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स लगा रह गया था वो फिर से आ चुका है और अब मैं अपने नॉर्मल पॉन्स फे वाइट ब्यूटी फ़ेस वॉश से फेस वॉश करूँगी मुझे इस, इसे यूज़ करते दो सैवन टू एट इयर्स हो चुके हैं और मेरा फेवरेट फेस वॉश है ये जस्ट मैंने वन ड्रॉप की तरह लिया और पानी मिक्स करके अच्छा सा मैं एक बार फेस वॉश कर लूँगी एंड अभी मैं आपको ये एक ही बार करके दिखा रही हूँ बट मैं फेस वॉश भी एक से दो बार ही करती हूँ अगर मैंने मेकअप यूज़ करा होता है तो इसको भी हम अच्छे से मसाज करेंगे और आप फेस वॉश में भी हमेशा ध्यान रखना कई लोग फ़ेस वॉश बहुत जल्दी करते हैं तो लेकिन मैं मैं हमेशा कहती हूँ फ़ेस वॉश में भी पेशेंस रखो जितने अच्छे से हम लोग मसाजली फेस वॉश करेंगे उतना अच्छा हमारा फेस क्लीन होगा और ये मैं फ़ेस वॉश करके आ चुकी हूँ और आप देख सकते हो मतलब कितना आ, अच्छा रिजल्ट ऑलरेडी आ, आ चुका है ठीक है काफ़ी लोग जैसे कि मैं डेली मेकअप करती हूँ यार मेरा जो रूटीन है ना चाहे वो मैं यूट्यूब के लिए करूँ चाहे मैं अपनी किसी और अदर वीडियो के लिए करूँ या मुझे कहीं जाना है तो मैं डेली मेकअप करती हूँ सो so, ये है मेरा बायोटिक का स्क्रब एक्चुअली पपाया स्क्रब और uh, ये मैं टेन डेज फिफ्टीन डेज में वन टाइम ज़रूर करती हूँ और ये मेरा फेवरेट है ऑलमोस्ट एक्चुअली जितने प्रोडक्ट्स हैं ना मैं हमेशा जो बेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वही मैं हमेशा अपनी स्किन पे यूज़ करती हूँ आप देखना मेरी स्किन अभी देखो विदाउट मेकअप है एंड uh, कोई पिंपल नहीं है कोई डार्क स्पॉट्स नहीं है मेरी स्किन पे वो रीज़न यही है जबकि मैं डेली मेकअप करती हूँ और ये जो प्रोडक्ट है ये मुझे एक्चुअली इंस्टाग्राम बायोटिक वालों ने ही सेंड किया था बिफोर राखी और uh, मैं ऑलरेडी राखी पे से यूज़ कर चुकी हूँ तो ये आज का जो वीडियो है खाली आप लोगों के लिए ही था मुझे आ, इसका रिव्यू देना था तो आप ये देखो इसकी स्मेल बहुत अच्छी थी मतलब जैसे कहते ना मिट्टी मिट्टी वाली स्मेल मतलब मुझे तो बहुत पसंद है तो वैसी स्मेल थी और ये मैंने अच्छे से फेस पर लगा है डॉट डॉट करके एंड ये है मेरा रोज़ वाटर जो कि मैं इसको ऐसे स्प्रे करके और फिर अपने हाथों से मसाज स्टार्ट करूँगी सो so, आप देखिए मेरी मसाज स्टार्ट मैं कर चुकी हूँ और एक्चुअली मुझे बायोटिक के सारे ही प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे लगते हैं और मैं मैंने एक्चुअली वन टू डेज़ इसका फ़ेस वॉश भी यूज़ करा था उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा था तो मैं एक्चुअली ये चाह रही थी कि इस बार मेरा पोन्स का फेस वॉश फिनिश होगा तो मैं ज़रूर इसका फ़ेस वॉश यूज़ करना स्टार्ट करूँगी और ये प्रोडक्ट्स मुझे इंस्टाग्राम स्टोर से सेंड हुए थे मतलब मैंने रिसीव किए थे एंड आज इसी का मैं आपको रिव्यू दे रही हूँ एंड मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा इसका स्क्रब और इसका आगे का भी जो प्रोसेस है बहुत अच्छा लगा मुझे मेरे स्किन पे सूट हुआ एक्चुअली और ये बस मैं लाइट लाइट हाथों से क्योंकि ये स्क्रब है हमें बहुत हल्के हाथों से मसाज करनी है बहुत ही हल्के हाथों से मतलब फ़ाइव टू टेन मिनट्स बहुत अच्छे से हमें मसाज करनी है ज़्यादा हार्ड हार्ड हैंड्स मत रखना एंड आफ्टर टेन मिनट्स आप ये देखो सारा जो डस्ट था मेरे फेस पे ये स्क्रब में आ चुका है ऑलरेडी एंड अब मैं दस मिनट बाद फेस वॉश करके आ चुकी हूँ नॉर्मल पानी से कोई भी जैसे जो टैप वाटर आता है ना नॉर्मल हमें उसी से फेस वॉश करना है और आप देख सकते हो मतलब मुझे लगता नहीं है मैं इसके लिए कुछ बोलूँ आपको खुद रिजल्ट दिख रहा होगा कि कितना ज़्यादा क्लीन हो चुका है मेरा फेस सो so, ग्लो भी आ गया देखो मेरे चिक्स पे नोज़ पे तो वो दिख रहा है मतलब वो ग्लो ना आ रहा है तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा और ये बायोटिक का फेस पैक है वाइटनिंग बायो मिल्क प्रोटीन फेस पैक है और इसका जो प्राइस है दोनों का वन नाइन नाइन है मतलब वन नाइन नाइन इसका वन नाइन नाइन स्क्रब का सो जो फैशल नहीं करते हैं वो आप ये दोनों चीज़ें यूज़ कर सकते हो आ, ये बेस्ट है मतलब जिनको हैबिट नहीं है फैशल की तो उनको अच्छा लगेगा और मेन क्या है ये हंड्रेड परसेंट आयुर्वेदिक है तो हमारी स्किन को वैसे भी देखो आप देखो आयुर्वेदिक है हंड्रेड परसेंट प्योर प्रोडक्ट है बहुत अच्छा है और ये हमें जस्ट ऐसे ही पूरे थोड़ा सा फिंगर में लेके मैं फिंगर से ही फेस पैक लगाती हूँ हमेशा मतलब तो मुझे कंफर्टेबल लगता है एक्चुअली कि काफ़ी कंफर्ट भी रहता है और काफ़ी अच्छे से लग जाता है ब्रश से ना प्रोडक्ट भी वेस्ट होता है और मुझे नहीं लगता कि बहुत अच्छे से लग पाता है तो इसलिए मैं अपने हैंड से ही लगाती हूँ फेस पैक चाहे कोई भी हो और ये इसका वाइटनिंग फेस पैक भी मुझे बहुत अच्छा लगा और uh, मैं एक बार वैसे सबको ये रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर एक बार ये परचेज़ करो और यूज़ uh, करो और उसके बाद मुझे कमेंट में जरूर इसका रिजल्ट बताना क्योंकि मेरे लिए तो मुझे बेस्ट लगा और मैं मैं जैसे हम लोग यार फैशन ना बहुत जल्दी जल्दी नहीं करा सकते क्योंकि हमारी फील्ड ऐसी है हमें uh, बहुत जल्दी जल्दी स्किन का भी ध्यान रखना है मेकअप हम करते हैं अगर मैं इतनी सारी चीज़ें केमिकल के एक साथ ही अपने फेस पे यूज़ करूंगी तो फेस ख़राब होगा तो मैं इसीलिए बहुत जल्दी जल्दी नहीं करती हूँ और ये जैसे ही टेन मिनट्स तक हमें इसका वेट करना है और उसके बाद ड्राई ही होगा आप नॉर्मल वही टैप वाटर से वॉश कराओ एंड मैं टॉवल से अपने इसको सुखा रही हूँ अच्छे से अपना फेस और आप देखो आ रहे हैं ना मतलब मुझे लगता नहीं मुझे बोलने की जरूरत है और ना मेरी स्किन ना काफ़ी सॉफ्ट हो गई थी एक्चुअली इसके बाद में मतलब मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था इसलिए मैं प्ले कर रही थी फेस पैक का रिजल्ट बहुत अच्छा है काफ़ी का मतलब काफ़ी ना सॉफ्ट सॉफ्ट सी स्किन लग रही थी और ये वन ऑफ द फेवरेट प्रोडक्ट ऑफ माइंड मतलब ये डे नाइट मैं हर एक डेढ़ घंटे बाद दो घंटे बाद इसको लगाती रहती हूँ नॉर्मल रोज़ वाटर है ये मेरा प्रोफेशनल रोज वाटर है आप जो गुलाब जल का आता है रोज़ वाटर आप वो भी यूज़ कर सकते हो स्प्रे वाला या नॉर्मल कैसा भी बट आपने ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ वाटर यूज़ करो अपनी स्किन पे हमारी स्किन ना रोज़ वाटर से मतलब बहुत अच्छी हो जाती है तो हम जितना ज़्यादा अपनी स्किन का ध्यान रखेंगे ना उतनी अच्छी स्किन होगी जबकि मुझसे काफ़ी फ्रेंड मे से हमसे पूछती है इस बात में यार तू इतना मेकअप करती है तो तुरी स्किन नहीं ख़राब होती तो वो यही रीज़न है इसलिए नहीं क्योंकि मैं मेकअप के टाइम पे भी मेकअप के बाद भी सारा दिन मैं उस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि मैं इतना मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन ख़राब ना हो ठीक है अगर जैसे कि आपको पता है मैं मॉडल हूँ और मुझे तो वैसे भी इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है सो आप हमेशा अपनी एक तो डाइट अच्छी लो फ्रूट्स वगैरह खाओ वैसे ही पानी ज़्यादा पियो Uh, बाकी ये रोज़ वाटर आपको जैसे भी टाइम लगे डे नाइट जब भी आपको टाइम लगे आप ज़्यादा से ज़्यादा uh, यूज़ करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग